हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं उपास के लिए, नवरात्रि के लिए स्पेशल कढ़ी चावल, जो बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। और अगर आप साबूदाने का बड़ा खिचड़ी खा करके बोर हो गए हो तो चलिए इसे बनाते हैं। हम थोड़ा सा लेंगे हम पहले राजगिरे का आटा। आप सिंघाड़े का, कुट्टू का, कोई सा भी आटा आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम कढ़ी के लिए सबसे पहले पकौड़ी बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ही आटा निकाला है। थोड़ा सा डाला है हमने सेंधा नमक टेस्ट के अनुसार। और अब हम पानी डाल के इसको, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना बेसन के घोल बनाते हैं, वैसा ही घोल हम इसका बना लेंगे। थोड़ा सा इसलिए लिया है क्योंकि हमें कढ़ी में ही डालना है, तो थोड़े से ही चाहिए रहेंगे इसलिए। और बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी, बहुत ही अच्छी लगेगी, मन खुश हो जाएगा आपका खा करके, क्योंकि बनने में भी बहुत जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम में बन करके रेडी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। अब ये एक हरी मिर्ची इसमें काट के डाल दिया, थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है, नमक पहले से डाल दिया था, बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा घोल हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना, नहीं तो फिर अपने पकौड़ी अच्छे से नहीं बनेगी। ये लिया है हमने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि व्रत का बना रहे हैं तो देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो। और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे साइज़ की हम पकौड़ियाँ इसकी तोड़ लेंगे। इसमें और कुछ नहीं डाला है, कढ़ी में डालना है तो सिंपल ही रखिए। देखिए एक साइड से ये सिक गई है, अब हम पलट के दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा इनका कलर आया है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, वो खाने में भी अच्छी लगती है। आप ज़रूर बनाइए, और साथ साथ में अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अभी हमारी पकौड़ियाँ जो बन करके रेडी हो गई है, तो अब हम कढ़ी के लिए हम घोल तैयार करेंगे। तो जैसे हम बेसन लेते हैं कढ़ी में घोलने के लिए, वैसे ही हमने बेसन की जगह पे ये आटा लिया है। ये राजगिरे का आटा है, आप वही पहले बताया था, जैसे जो भी आपके पास आटा हो वो आप ले सकते हो। पहले हम पानी डाल के थोड़ा सा इसको लिक्विड कर लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम इसको दही में डालेंगे तो वो गुठलियाँ पड़ जाती है, बहुत टाइम लग जाता है उसको मिक्स करने में। तो आप पहले इसको थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड बना लें, ताकि जब हम इसमें दही वाला या लस्सी डालें तो वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना पड़े। अब हम दही लेके उसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये 200 से 250 ग्राम तक की दही है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में तो हमें कढ़ी बनानी नहीं है। अब ये हमने इसमें डाला है 1 गिलास पानी, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। और ये जो घी था हमने पकौड़ी जो तली थी उसमें घी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको निकाल लेंगे हम, क्योंकि कढ़ी में इतना घी नहीं डालेंगे। अब ये जो हमने जो आटा मिक्स करके रखा था ना, उसमें ये दही फेंट के जो रखी है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें कहीं भी गुठलियाँ आपको नहीं दिख रही है, अगर हम डायरेक्ट आटा डालते तो बहुत देर लग जाती गुठलियाँ घोलने में, और कोई ना कोई तो बची ही रहती। तो अभी उसमें और पानी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि कढ़ी को बहुत देर तक पकाना रहता है तो फिर पानी तो उसमें होना ही चाहिए। अब घी में डाल दिया है जीरा, वैसे तो हम मेथी दाना डालते हैं पर अभी व्रत में मेथी दाना नहीं खाते, तो जीरा ही डाला है। जीरा हमारा हो गया है ब्राउन। अब हमने लिए हैं ये 2 टमाटर और 2-4 हरी मिर्च। टमाटर क्यों डाले हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई मसाले यूज़ करने नहीं है, ना हल्दी डाल सकते ना लाल मिर्च डाल सकते, तो थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें टमाटर की यूज़ करेंगे। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक डाल के ढक्का लगा के इसको थोड़ा सा पकने तक, नरम होने तक पका लेंगे टमाटर को। ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, अब इसने अपना घी भी छोड़ दिया है टमाटर ने चारों तरफ, पानी इसका सब जल चुका है टमाटर का, तो अच्छा सा इसका मसाला बन गया है, क्योंकि टमाटर डालना इसमें ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर वो एकदम से सफ़ेद सफ़ेद दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर खाने का मन नहीं होता है। शकल पे मत जाइए इस कढ़ी के, क्योंकि शकल भले ही इसकी थोड़ी सी दिखेगी वाइट वाइट सी, पर खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो अब हमने जो दही और आटे का मिक्सर बना के रखा था, घोल बना के रखा था, जैसे हम बेसन और दही का लस्सी का बनाते हैं वैसा ही, तो वो इसमें हमने डाल दिया है। कढ़ी तो सेम ही उससे बनती है, जैसे हम वो वाली कढ़ी बनाते हैं वैसे ये वाली बनती है, बस थोड़ा सा इसमें मसाले नहीं डालते, उसमें हम मसाले थोड़े बहुत डाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ी बार इसको पकाने के बाद इसमें डाल दी हमने जो पकौड़ी बनाई थी ना, वो वाली पकौड़ी, ताकि ये भी अच्छे से अंदर तक इनमें भी कढ़ी में मिक्स हो जाए। ये भी नरम तो वैसे ही होती है, ये बहुत कहीं से भी टाइट नहीं होती, बहुत ही नरम रहती है पकौड़ी इसकी, आटे की। अब इसको हम पकने देंगे, जब तक हम देखते हैं। ये है सामकिया, इसको सामकिया बोलते हैं, मोरदन, मोरपंख, कई जगह पंचतारा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है इसका। तो ये व्रत में ही खाया जाता है, उनको हमने धो के रख लिया, जब तक के देख रहे हैं कि हमारी ये कढ़ी है बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी कढ़ी नहीं चाहिए, हम चावल के साथ खाएंगे इसको, तो पक कर के रेडी हो गई। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, देखिए टमाटर की वजह से कलर इसका फिर भी अच्छा आया है, अगर टमाटर आप नहीं डालोगे
खट्टेपन के लिए टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खट्टेपन के लिए तो हमारी दही काफ़ी है, पर कलर के लिए हम इसमें थोड़ा टमाटर डालना ज़रूरी हो गया था। ये देखिए उस टमाटर के साथ में इसका कलर अच्छा लग रहा है। अब हम कढ़ी बन करके बिल्कुल रेडी होगी, तो बंद कर देंगे गैस का फ्लेम। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तो दिखने में भले ही वो थोड़ी सी लग रही होगी अजीब, पर खाने में उतनी टेस्टी लगती है। आपको न तलने की तला हुआ खाने की ज़रूरत है, और जब भी आपका मन हो तो आप बना सकते हो बिल्कुल आराम से। छोटी सी सिंपल सी रेसिपी है। तो अब हम बनाएंगे वो चावल। थोड़ा सा लिया हमने घी, घी में डाला जीरा और हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के, और जो हमने शाम किए थे वो धो के अच्छे से रख लिए थे। अब ये तड़क गया है जीरा और मिर्ची, अब डालेंगे हम इसमें शाम किए को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर ले, क्योंकि ज़्यादातर उसमें गंदा पानी निकलता ही है 2 से 3 बार तक। अब इसमें डाल देंगे हम शाम किए। इसको आप कुकर में भी बना सकते हो आपका मन हो तो, अगर आपका मन हो तो आप इसको कढ़ाई में बना सकते हो, जैसा भी आपका मन हो। अब डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अनुसार, सेंधा नमक डालिए इसमें। और सब्जियां अगर आपको डालनी हो, जैसे मटर डालना है, गाजर डालनी है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आलू डालना है, जो भी आपका मन हो टमाटर डालना डाल सकते हैं, पर अभी हम कढ़ी बना ली है साथ में, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल हम जीरा राइस ही बनाएंगे, जैसे हम सिंपल कढ़ी के साथ बनाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा डबल से ज़्यादा पानी, 1 गिलास हमने शाम किया लिया था, तो हमने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं, बहुत पानी पीते हैं ये। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए डबल क्वांटिटी हो गई है उसकी, और कितने अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। अभी इसका फ्लेम कर देंगे गैस का हम कम, और 2 से 3 मिनट के लिए और इसको पकने देंगे। ये देखिए 3 मिनट के बाद ये अच्छे से सारा पानी ने सोख लिया है, और बन करके बिल्कुल रेडी हो गए। क्योंकि एकदम से हमें बिल्कुल टाइट नहीं करना है, एकदम से टाइट करके अगर बंद करेंगे तो ये ठंडे होने के बाद और ही बिल्कुल एकदम से पूरी लड्डू जैसा उसका बन जाएगा, पूरा टाइट टाइट सा, वैसा हमें नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही बंद करना, ताकि जब ये ठंडा हो तो अच्छा सा दिखे आपको। तो ये बना करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, खाने में इतनी ही टेस्टी लगती है, मन खुश हो जाएगा खा करके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।